नमस्कार, मैं जमू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ तिरप जिला में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो एक शैक्षिक दौरे पर है, और इस शैक्षिक दौरे पर हम चलते चलते तिरप जिले पर पहुंच चुके हैं। और आप सभी को पता है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, और चिंतन शिविर के जो है फॉलोअप प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जो है हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके सलाहकार हैं, और शिक्षा विभाग से अधिकारी आए हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक दौरे पर चलते जा रहे हैं, और इस प्रकार से हम तिरप जिले पहुंच चुके हैं। और हम सब आपको दिखाएंगे कि यहाँ की स्कूल की अवस्था कैसी है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चंडगढ़ में भी हमारा जो मीटिंग हुआ था नाइबोर्ड वाले प्रेसिडेंट से, इट वाज वेरी एनकरेजिंग। पीपल द सीबीओज एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स वर वेरी पॉजिटिव अबाउट द थॉट प्रोसेस व्हिच वी हैव ट्राइड टू एम्बेड इन देम। उसको देख के तो अभी यहाँ भी हम लोग सुन रहे हैं जो जिस तरीके से आप लोगों का अप्रोच है, और खास करके डीसी मैडम को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो कन्वर्जेंस के बाद बताया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही देखता रहेगा कि कब करेगा ये आके एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि एजुकेशन टचेस एवरीवन्स लाइफ। तो एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बाकी आप जितना भी मेटेरियल डेवलपमेंट हो जाए कोई फायदा होने वाला नहीं। तो वी ऑल मस्ट गिव प्रायोरिटी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हमारा ऑनरेबल एमएलए है, तो उनका तरफ से भी सुना, इज बीन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द एजुकेशन, और हमारा लॉगिन साहब ने भी अपना तरफ से किया है। तो करके भी फिर भी देयर इज लॉट ऑफ गैप, तो उसको किस तरीके से फिलअप करना है आपको? शायद जरूरी समझूंगा कि हम लोग सरकार का ये एजुकेशन को कैसा रिवेंटिंग करे, कैसा अच्छा सुधार लाएगा, उसमें पॉलिसी कैसा बनाएगा, क्या करने जा रहा है, वो क्लियर होना पड़ेगा। और हम पब्लिक आम जनता और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को सहयोग करने से होगा। इसलिए नंबर वन, अभी स्कूल जो जो लो एनरोलमेंट या जीरो एनरोलमेंट स्कूल है वो तो बंद करने जा रहा है। हम सभी का ये इच्छा था कि वहां टीचिंग कम्युनिटी से भी आया, हता से आया होगा, और नजर टीचर से भी पूरा आया, इवन और बाकी को सबसे भी आया, पूरा स्टेक होल्डर को बुला के मंत्री जी कमिश्नर पूरा सोच समझ के बुलाए, सबसे सहमति लिया 3 दिन मंथन में। तो अभी हम लोग का ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों किया, ये स्कूल क्यों बंद किया, ये स्कूल क्यों ऐसा होना चाहिए, यहाँ से वहां क्यों सिर्फ होना चाहिए। तो इसको हम समझ करके हम लोग भी होना चाहिए बोला तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या है। तो चिंता तो है, कोई कोई तो अभी रिसेंट में भी होगा गांव गांव में क्यों स्कूल बंद किया है, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? पंचायत लीडर इसलिए बुला है, ये मॉडल एसोसिएशन या सीबीओ जो जो भी है वो इसलिए बुला है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को सबको इसलिए बुला है, और टीचिंग स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको भी इसलिए टीचर लेवल से इन्वॉल्व किया, ताकि बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो वो किसी मंत्री को, कमिश्नर को, डायरेक्टर को या एमएलए को या किसी को दोष ना लगाए। ये तो हम अच्छा करने के लिए हम सबको पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये सबको समझाने के लिए हम लोग सब है, मेरा भी काफी स्कूल बंद होगा, हमने समझाया, खास करके अभी मिडिल स्कूल हम 4 बंद करने जा रहे हैं, ऊपर में 2, 6 मिडिल स्कूल बंद करेगा, हम डिस्कस किया है, ताकि हम
एजुकेशन एक ही सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, मैन पावर जाएगा, तो वहाँ अच्छा सुविधा मिलेगा, कंसंट्रेट करेगा सरकार भी और हमारा बच्चा भी वहाँ सुरक्षित भी रहेगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सही होगा। तो इसके लिए ही राजी कराया। अगर आपका स्कूल बंद करना है बोलने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन वहां जाके बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा होने सब्जेक्ट से सब नहीं मिल रहा है, तो आपका पांच बच्चा के लिए हम कितना, पांच टीचर कैसा देगा। इसलिए आप यहाँ चार स्कूल से हम 20 बच्चा जमा किया, वहां तो पांच टीचर मिलेगा, सब्जेक्ट टीचर, तो वहां अच्छा सुविधा हुआ, तब राजी हुआ। इसलिए हम एम्प्लॉय एजुकेशन डिपार्टमेंट का राजी होना पड़ेगा, डायरेक्टर डीडीएससी से अच्छा से समझना पड़ेगा, हेडमास्टर से अच्छा से समझना पड़ेगा, टीचर लोग भी, क्योंकि कल मेरा मिसेस को ट्रांसफर जाना है, इसका पुलिस के 3 साल हो गया तो जाना है, उसमें मुझे नहीं कहना है, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा मिसेस क्यों ट्रांसफर होगा, और कोई मेरा पास भी नहीं आना चाहिए कि हम वहां ट्रांसफर हो गया है आप रुकाओ या वहां लेके जाओ, ये नहीं हो पाएगा। जहां जहां जरूरत वहां भेजेगा, तो इसमें से ना कमिश्नर साहब बचा पाएगा, ना मंत्री जी बचा पाएगा, कोई भी ना, हम कोई भी नहीं बचा पाएगा, ना डीडीएससी बचा पाएगा। ये तो रैंडम ट्रांसफर पोस्टिंग शायद होगा, उसमें जहां जाएगा वहां जाएगा। हम लोग तो ये बात क्या, जब रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग जब बोला है, बात क्या है, तो ये हम लोग तो कमिटेड है, वचन पर ये है कि राजी है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं पूर्णमता है, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, कोई भी हो या मेरा खास मौका है, वो भी चला जाएगा। स्कूल्स इन माय कंसिस्टेंसी आर इन अ मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशन, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर डिलैपिडेटेड, एज वी हैव सीन द कापो सेकेंडरी स्कूल एंड ऑल्सो द बोगापानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस residential school. Likewise, now people may say that you're the MLA, you have been representing that constituency for the past 25 years. I have done my bit. I have tried to do something. I have given as far as possible infrastructure development facilities for the schools, primary, upper primary, secondary, high secondary. Things have come up and to some extent some shape has been done. But I alone cannot do it. I need the support and the blessing of the department. Not a single bench the last 8 years my constituency has got. Not to talk of desk. Not a single classroom was constructed by the department. I'm not talking of myself. Education fund is there. I have been in the education department. I know to some extent, although I was not very long. I was 4 months there. So there should be an equal distribution among the rest of the constituency. Model schools of 60 model schools were earmarked last year. And my government high secondary school at Moria was also included in that model school. Under the Siksha, Mission Siksha, model school, 60, because CM, Honorable CM wanted that all the constituencies should have that privilege to uplift, upgrade the infrastructure of the particular schools. And one higher secondary school was selected, I think, I presume. And if IB schools were selected in Arunachal. And one of the IB schools selected also happened to be from my country. So those two schemes, I don't know where it has gone. So I would also like to reiterate that these schools should also be given due importance. Motriya High Secondary School and most Panipriya, it was upper primary school, now it will be a residential school. Wherever I go, to the honorable minister, इतना बोलता होगा, लेकिन मेरे को भी बोलता है कि देखिए इफ यू वांट टू सुधारने के है तो आप अपना बेटा बेटी को स्कूल में सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते, टीचर अपना सरकारी स्कूल में ही नहीं डालते, ब्यूरोक्रेट नहीं डालते, मंत्री नहीं डालते, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा होना है कि व्हाई आर पीपल गोइंग टू द सरकारी स्कूल, इट शुड बी अट्रैक्टिव,
आप जबरदस्ती किसी को तो नहीं भेज सकता है ना, दैट स्कूल इटसेल्फ शुड अट्रैक्ट. सो हाउ डू वी गो अबाउट दिस इज द प्रोसेस. अभी देखिए कि इन मोरजर्स रेजिडेंशियल आईवी स्कूल जो बनेगा 100, 200, 300 बच्चा बनेगा एंड लिमिटेड नाउ स्कूल से मोर पुश इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर्स रेशियो बढ़िया होगा. इट कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट स्कूल. आई मीन वाई शारदा मिशन जितना भी है आपके मिशन, व्हाट इज दैट? आई मीन यू कैन कॉम्पीट विद द बेस्ट. जस्ट दैट की इतना स्प्रेड आउट हम लोग हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हमारे जो रैशनलाइजेशन भी हम नहीं सका, बट दिस विल ब्रिंग इट टूगेदर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर. सो वी आर कमिटेड टू एज एन एडवाइजर, एज ए कमिश्नर, एज ऑल द टीम्स आउट हियर, वी आर टोटली कमिटेड टू इट. सो वी सी दिस विजन, यू कैन सेंस दिस विजन, हाउ इज गोइंग टू गो. सो वी हैव गॉट योर सपोर्ट ऑल्सो. कम्प्लेन है कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ में जीरो टोटली नील है, जीरो एनरोलमेंट है, उसको तो उपाय नहीं, बंद करना पड़ेगा. हाउएवर वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम और कन्विंस करके भी आए हैं हम लोग. और इसीलिए अभी जैसे कि अब जितना प्रोग्राम पॉलिसी है इसको आप जो आए उसमें इफेक्टिव होना चाहिए. और जैसे सब्जेक्ट टीचर है जो प्लेस पे है, इतना शॉर्टेज है, उनको भी जितना हो सकता है आप हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, गुड प्रॉब्लम फेस करता है. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अभी यहाँ में आपके सामने प्लेस किया, इसको भी आप जितना हो सकता है आप कर लीजिएगा. और रही बात हम लोग का लास्ट टेनियर में किसी का नाम तो लेंगे नहीं, फिर भी हम लोग का ऑफिशियल रीजन में ऐसा था कि उसको इनकॉम्पिटेंट टीचर लोग यहाँ में बैकडोर एंट्री से बहुत था, लास्ट में निकाला गया है. और आपका समय में ये सब भी नाम. थैंक यू. न्यूली बाइफर्केटेड विलेज भी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, लाइक न्यू हेमलेट्स, न्यू विलेज, जिस वहाँ में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी, बच्चा लोग भी है या फिर स्टूडेंट्स है, किड्स आर बीइंग डिप्लॉयड उस जगह में आंगनबाड़ी सेंटर्स और ईसीसी या फिर सब इंस्टीट्यूट करने से सही रहेगा. बिकॉज वो जो अभी ऐसा हेमलेट्स जगह या फिर न्यूली बाइफर्केटेड विलेजेस में है, देयर आर अराउंड 30 और 25 हाउस होल्ड, तो वेयर द चिल्ड्रन आर बीइंग डिप्लॉयड, तो इसमें आंगनबाड़ी सेंटर सभी इंस्टीट्यूट करने से ठीक रहेगा सर. वो एक मेरा एक अपना व्यू सर. सोहा के स्कूल में आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वी हैड अ 0% पास परसेंटेज इस ईयर में सर. तो उसमें हमने सर पर्सनली विजिट करके, मैंने भी एंड एडीसी भी गए हैं, इनके सीओ भी गए हैं सर. वहाँ पे टीचर सोहा सर बना रहे फ्रॉम दिवाली टाउन, वहाँ पे टीचर सर अपडाउन कर रहे थे क्योंकि क्वार्टर्स का इशू था, बट हमने वो पुलिस से क्वार्टर्स लेके उनको टीचर्स को अलॉट कर दिए हैं. तो टीचर्स आर नाउ मूव्ड देयर, पेरेंट्स के साथ ही सब आने की पर्सनल मीटिंग करिए. बट सर हमें वाइस प्रिंसिपल और हेडमास्टर सर उसमें जरूरी में चाहिए, क्योंकि अदरवाइज 0% के मॉनिटर करके थोड़ा इम्प्रूव करना सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर. हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग बहुत खुश है सच में, सर ने इतना तकलीफ करके एजुकेशन की फॉर क्वालिटी एजुकेशन और सब की भलाई के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, इतना तकलीफ करके इतना दूर, वो भी इस उम्र में इतना तकलीफ करके चल रहे हैं, टूरिंग कर रहा है. तो सब एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी इंडीड. प्रॉब्लम्स तो मेन प्रॉब्लम्स तो हम लोग का ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है. फिर क्या कहूँ मैं, टीचर लोग, टीचर्स का भी, सब्जेक्ट टीचर्स स्पेशली, सब्जेक्ट टीचर्स की कमी और रैशनलाइज इतना नहीं हुआ है, इसलिए तकलीफ हो रहा है. क्योंकि पहले से इसको, इस सेक्टर को नेग्लेक्टेड जैसा फीलिंग होने दिया था, हम अभी उसको कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं ये उसको लाइन में लाना है और एजुकेशन को इम्प्रूव करना है. या हम ये बहुत खुश है हम इस चिंतन शिविर के का फॉलो अप के बारे में. ये तो पहली बार तो जब हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कुर्सी पे आए थे तो सबसे पहले सबसे बड़ा कदम तो उन्होंने यही उठाया कि हम लोग सब हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन DDSE सबको और स्कूल्स का हेड सबको और सब CBSE को स्टेक होल्डर्स को सबको बुला के चिंतन शिविर में बुलाया. फिर उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट में जाके चिंतन शिविर को फॉलो अप करना, ये तो हम लोग सोचा भी नहीं था कि ऐसा करेंगे. तो सच में ये करने आए हैं तो
बहुत अच्छा लग रहा है।